हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मजमूर में। आजकल के लाइफस्टाइल चेंजेस, हेक्टिक स्केड्यूल और स्ट्रेस के बीच हमें खुद को फिट रखना बहुत जरूरी है। फिट रहना मतलब वेट लॉस नहीं होता, और अगर आपका वेट कंट्रोल में है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं देना है। एक्सरसाइज और सही डाइट हमें फिट होने और वेट मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। ऑफ कोर्स आपका जो मन है वो भी आप खा सकते हैं विद पोर्शन कंट्रोल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा फिटनेस रूटीन। मैं ये रूटीन वीक में 3 से 4 दिन फॉलो करती हूँ जितना मुझसे हो पाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करती हूँ। बहुत बेसिक वाली है लेकिन ये काफ़ी बेनिफिशियल होती है। टेरेस पर बैठ के करने से और ज़्यादा मुझे रिफ्रेशिंग और रिजुविनेटेड फील होता है। फिर वार्म अप के लिए मैं थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करती हूँ। स्ट्रेचिंग वाली कुछ एक्सरसाइजेस मुझे पहले से ही पता थी, कुछ मेरी कजन जो कि फिजियोथेरेपिस्ट है उसने भी मुझे बताई है। तो बेसिक स्ट्रेचिंग, फिर लगभग 15 मिनट मैं अपने वाइब्रेशन प्लेट पर एक्सरसाइज करती हूँ। वाइब्रेशन प्लेट पे काफी अलग अलग मोड्स अवेलेबल हैं और इसके ऊपर की हुई 15 मिनट की एक्सरसाइज 1 घंटे के जॉगिंग के बराबर है। तो अलग अलग प्रोग्राम्स में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने अलग से शेयर किया है, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। इस वाइब्रेशन प्लेट को यूज करके अलग अलग एक्सरसाइजेस की जा सकती है। सबसे पहले मैं स्क्वाट्स कर रही हूँ, तो स्क्वाट्स के लगभग 2 सेट में करती हूँ, 12 से 15 स्क्वाट्स ईच सेट में। नेक्स्ट मैं रेजिस्टेंस बैंड्स यूज कर रही हूँ अपनी आर्म्स पर वर्क करने के लिए। इस मशीन से होल बॉडी वाइब्रेशन होता है जिससे सारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती है कई बार। ये वाइब्रेशन प्लेट वेट लॉस में हेल्प करती है बाय बर्निंग फैट, मेटाबॉलिज्म बूस्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है। और जैसा कि मैंने कहा, इसके जो 5 ऑटो प्रोग्राम्स हैं उसमें से आप अपने हिसाब से कोई प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे बंद और शुरू करने के लिए आप इसके साथ आए हुए रिमोट को यूज कर सकते हैं। जो भी फंक्शन इस मशीन के ऊपर है वो सारे रिमोट पर भी अवेलेबल है। नेक्स्ट, केवल 5 मिनट के लिए इस वाइब्रेशन प्लेट पर मैं खड़ी होती हूँ। अलग अलग इसके मोड्स हैं, वॉकिंग है, जॉगिंग है, रनिंग भी है, तो आप अपने हिसाब से एक मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट 5 मिनट काफ्स की एक्सरसाइज। बस वाइब्रेशन प्लेट पर काफ्स को रखना है और इसे ऑन करना है। अलग अलग जो एक्सरसाइज इस वाइब्रेशन प्लेट को यूज करके की जा सकती है, उन्हें आपको सबको एक साथ करने की जरूरत नहीं है। अपने स्केड्यूल में आप इनमें से कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। 15 मिनट भी करेंगे तो काफी होगा। एक्सरसाइज के बाद मैं 5-10 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, फॉलोड बाय ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मुझे इडली, साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, नॉर्थ इंडियन ब्रेकफास्ट जैसे कि आलू पराठा भी बहुत पसंद है। बट वीक के मैक्सिमम डेज आई मेक श्योर दैट आई ईट हेल्दी, जैसे कि ओट्स उत्तपम, ओट्स स्मूदी विद पीनट बटर। ये हेल्दी एंड टेस्टी के साथ साथ काफी फिलिंग भी है। मैं आज आपको क्विकली ओट स्मूदी विद पीनट बटर बनाकर दिखाती हूँ। स्मूदी बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ दसानो ओट्स, जो कि रिच है फाइबर में। तो 1/4 कप ओट्स, साथ में 300 ml दूध। दूध रूम टेम्परेचर भी यूज किया जा सकता है, मैं ठंडा यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ एक पका हुआ बनाना। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है दसानो स्मूद एंड क्रीमी पीनट बटर विथ हनी। इट्स रिच इन प्रोटीन एंड इसमें एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स है जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड जिंक। इट्स ग्रेट फॉर वेट लॉस एंड गुड फॉर हार्ट, क्योंकि इसमें है मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। एंड द गुड पार्ट इज इट कम्स विथ हनी एज अ स्वीटनर, नॉट एनी एडिशनल शुगर, विच इज हेल्दियर। वेट को कंट्रोल करने के लिए और अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ाने के लिए आप 2 चम्मच पीनट बटर रोज खा सकते हैं। इनफैक्ट आप इसे दिन के किसी भी समय खा सकते हैं, जब भी आपको भूख लगे। इससे आपका पेट भी भर जाएगा। पर अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो 2 स्पून से ज्यादा पीनट बटर एक दिन में ना खाएं। हनी होने की वजह से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि खाना इसे बंद ही ना करें, पर हाँ, कंट्रोल में खाना है। खैर, बनाते हैं हमारी ओट स्मूदी। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है पीनट बटर। यहाँ पे मैं 2 चम्मच पीनट बटर डाल रही हूँ। पीनट बटर डालने के बाद इस स्मूदी को अच्छे से आप ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करते समय अगर आप चाहते हैं कि ये और ठंडी हो तो आप 1 से 2 आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। टोटली डिपेंड करता है आप पर और जो भी मौसम है उस समय उस पर। इसे तुरंत सर्व करें। मेरी ओट्स एंड पीनट बटर स्मूदी रेडी है।
ऐसा नहीं है कि मैं यही ब्रेकफास्ट या मील खाती हूँ, लेकिन हेल्दी ब्रेकफास्ट या मील को अपने रूटीन में ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करना चाहिए। साथ में चीट डेज हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप भी अपने स्केड्यूल में से थोड़ा टाइम अपने खुद के लिए जरूर निकालें। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।